सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 5 AM क्रैक फिल्म सीरीज में। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अन अकेडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपका लॉन्च होने जा रहा है मेरे द्वारा, और ये कोर्स के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे जून तक, मतलब जनवरी से लेके जून तक का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहेगी और जल्दी ये कोर्स आपका लॉन्च होने जा रहा है। इसके अलावा भी आपका IR का कोर्स आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कोर्स आपका आएगा। करना क्या है, अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड SPLIV, यहाँ पर आप मेरे कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अमाउंट है, दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। ये जो अमाउंट है, इट विल रिड्यूस बाय 10% इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड SPLIVE। आपका EMI ऑप्शन भी है, और ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, इस अमाउंट में पूरे 2 साल तक जितने भी मेरे कोर्सेस हैं वो फ्री हैं आपके लिए। साथ में 80+ टॉप एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेस हैं वो आपके लिए फ्री हैं। तो आपका पूरा UPSC का प्रिपरेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर ज़रूर से कॉल करें, unacademy.com@SPLIVE में मुझे फॉलो करें। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, आपकी स्पेशल क्लास लॉन्च हो रही है। आपका जो 16th जुलाई को स्पेशल क्लास है 9 PM को, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू करंट अफेयर्स के माध्यम से हम इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इवन जो आप स्टैटिक पढ़ते हो तो उसको कैसे हम लिंक कर सकते हैं करंट अफेयर्स से, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। सो उसको आपको ज़रूर से करना है। अटेंडेंस आप ज़रूर से दें, अपना नाम ज़रूर से बताएं, आप कहां से, वो भी आप ज़रूर से बताएं। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो अगर आप देखोगे अभी चाइना के साथ 25 ईयर्स का डॉलर 400 बिलियन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डील आपकी साइन की गई है। और यहाँ पे देखा जाए, सो द रेलवे प्रोजेक्ट विच वॉज बींग डिस्कस्ड बिटवीन ईरानियन रेलवे एंड स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वॉज मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन कमिटमेंट टू द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे ये जो चाबहार का कंसेप्ट आपका आया था, इसमें इंडिया की तरफ से, ईरान की तरफ से और अफगानिस्तान, तीनों को बेनिफिट था इससे। सो अगर आप देखो ये जो मैप है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी अधिक निर्भर है, अगर उसको पोर्ट को एक्सेस करना तो इस पर ये काफ़ी अधिक निर्भर है। लेकिन अगर चाबहार पोर्ट बना के, और फिर जारांज देलाराम ये हाईवे है, इसके थ्रू अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो यहाँ से ये रूट आपका बन जाता, तो यहाँ अफगानिस्तान को भी बेनिफिट है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया को भी बेनिफिट है कि वो अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर, उसको वो बहुत हद तक रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे ये चाबहार पोर्ट है, दिस इज़ चाबहार पोर्ट ईरान में लोकेट। अब यहाँ पे ये कहा गया, ये ईरान के द्वारा कहा गया कि जो डिले है इंडिया के द्वारा, जो भी डिले हो रहा है फाइनेंशियल जो डिले हो रहा है, इस वजह से ईरान इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता इंडिया के साथ, और हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया जाए। तो ये इंडिया के लिए ठीक नहीं, क्योंकि एक तो ये है कि ईरान में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अफगानिस्तान का एक तरफ पाकिस्तान ऑप्शन रहेगा और एक तरफ चाइना ऑप्शन रहेगा, अफगानिस्तान में भी इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपका रिड्यूस होगा। तो ये एक डेवलपमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नेवी टू गेट न्यू कैरियर बेस्ड जेट बाय 2032। तो नेवी इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट रिसीविंग न्यू ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बींग डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO बाय 2032, एंड इट विल बी रिप्लेसमेंट फॉर रशियन MiG-29K कैरियर जेट इन द सर्विस। तो यहाँ पे एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को दिया जाएगा, बट अभी नहीं, बाय 2032 तक। और ये MiG-29K कैरियर जेट जो है उसको ये रिप्लेस करेगा रशिया के। नेवी करेंटली ऑपरेट रशियन ओरिजिन कैरियर INS विक्रमादित्य, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड एक्सपेक्ट्स टू हैव द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ऑपरेशनल बाय 2020। तो नया जो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा उसका नाम विक्रांत है। विक्रमादित्य आपका रिटायर हो गया और फिर आपका विक्रांत है, ये आपको ध्यान रखना। लास्ट जनवरी नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA सक्सेसफुली कम्प्लीटेड अरेस्टेड लैंडिंग एंड टेकन ऑफ ऑन बोर्ड विक्रमादित्य हैज सिंस अंडरटेकन सेवरल ट्राइज। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि विक्रमादित्य के रिटायर होने के बाद विक्रांत एज अ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर काम करेगा भारत के लिए। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द
कैरियर लैंडिंग द DRDO हैज़ ऑफर्ड टू डेवलप अ ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर फॉर द नेवी। सो इसी बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये डेवलप भी किया जा रहा है, और नेवल जो तेजस है LCA MK2 जो एक तेजस वेरिएंट है जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है हमारा, वो भी इस पर लैंड कर सकता है। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू करंट अफेयर सीरीज आई एम स्टार्टिंग, ये आपकी स्पेशल क्लास है 9 PM को है, आई विल शेयर द लिंक। इसको आपको जरूर से करना है और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आते हैं। तो हम पूरे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझेंगे थ्रू करंट अफेयर्स, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये, इसको आपको जरूर से करना है। देखते हैं शुद्ध क्या है। इमेजिनरिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट, अल्ट्रावायलेट UV सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट। बस इसको इतना याद रखो, ये प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल करके मेनली डिसइनफेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यह अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुद्ध नाम है। तो ये स्मार्टफोन ऑपरेटेड है, हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइनफेक्शन हेल्पर दैट इज शुद्ध, हैज 6 UV लाइट ऑफ 15 वाट ईच। तो बस ये कितने वाट का ये याद नहीं रखना है, अगर आपसे पूछे शुद्ध क्या है सो ये इमेज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लीन अप वेबसाइट दैट टारगेट माइनर्स। चाइना ने ये कदम उठाया है, चाइना इस तरीके का कदम उठा रहा है लास्ट 2 मंथ से कि टू क्लीन अप वेबसाइट्स एम्ड एट यूजर्स अंडर एज ऑफ 18 टू प्रमोट हेल्थी ऑनलाइन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे चाइना के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ऐसे कई सारी वेबसाइट होती हैं जो कि 18 ईयर से कम के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करती हैं। सो जैसे चाहे वो वीडियो गेम्स हो या कोई भी ऑनलाइन कंटेंट शेयरिंग, कोई भी ऐसा, या इंस्टेंट मैसेजिंग टूल, ऐसा कोई भी ऐसा वेबसाइट है तो उनको कंट्रोल करना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाइना अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट उनके वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कोई गाइडलाइन जो चाइना के द्वारा दी गई है, क्या उस गाइडलाइंस को डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा ऑप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये कदम आपका उठाया गया है। सिंगापुर स्लम्स इनटू रिसेशन। अगर आप सिंगापुर की इकोनॉमी को देखो तो ये रिसेशन की तरफ जा रही है, मतलब लगातार नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने सेंटर सिंगापुर में बना रखे हैं, बट क्योंकि अभी इस समय ट्रेड हो नहीं रहा है तो सिंगापुर की इकोनॉमी भी काफ़ी नीचे जा रही है। टूरिज़्म भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, ट्रेड भी जो जिस भी प्रकार से देखा जाए तो वो भी काफ़ी इससे अफेक्ट हुआ है, तो रिसेशन की तरफ आपकी जा रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो मॉनेटरी वैल्यू है या मनी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सिंगापुर के अंदर, सो वो भी आपका डिक्लाइन हो रहा है, एनुअलाइज 41.2% फ्रॉम द प्रीवियस 3 मंथ्स, बिगेस्ट क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्शन ऑन रिकॉर्ड एंड वर्स देन द ब्लूमेयर सर्वे मीडियन ऑफ 35.9%। तो यहाँ पे देखो कि ये बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है GDP की जब हम बात करते हैं। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिपोर्ट क्वार्टरली GDP डेटा एंड फिगर्स शोज इट्स टेकिंग अ बिगर हिट देन मैनी अदर इन एशिया। तो कहा जा रहा है कि एशियन के दूसरे देशों से ये सिंगापुर ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, और सिंगापुर अपने जो ग्रोथ है 3 महीनों में उन्होंने कितना ग्रो किया है, जो क्वार्टरली GDP डेटा है वो शेयर करने वाला पहला ऐसा देश है। और भी कई सारे देश भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे जापान, जैसे फर्स्ट रियल टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर राइस फील्ड। तो वर्ल्ड में सून गेट इट्स फर्स्ट रियल टाइम पैडी फील्ड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ये पूरे तरीके से राइस फील्ड का सर्वे रखेगा, और हमें ये जानकारी मिल पाएगी कि कितने राइस आपने प्लांट किया है, हार्वेस्ट कितना अचीव होगा, जो भी रियल टाइम डेटा है वो आपके पास रहेगा। द ऐप बिंग बिल्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड कैन हेल्प मीट द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 ऑफ जीरो हंगर। तो ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारा जो राइस है या दूसरे फूड प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे तो वो काफ़ी उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, और जानकारी ना रहने की वजह से जो एक आपका प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो किया जाता है मेनली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी जो फूड की है वो कितनी है, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। सो आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर रहेगा कि इतना राइस प्लांट किया, इतना हार्वेस्ट किया, दूसरे क्रॉप्स के बारे में भी आपका रियल टाइम डेटा रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इफेक्टिव कदम हो जाएगा कि यहाँ पे जहाँ पे अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, तो जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ से
जहाँ कम हो रहा है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो ये कोलाब्रेशन हुआ गूगल अर्थ एंड ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये एक आप कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप में भी आप मेंशन कर सकते हो कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन। प्रज्ञाता जो गाइडलाइंस है ऑन डिजिटल एजुकेशन, प्रज्ञाता गाइडलाइंस है 8 स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, दैट इज प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, या टॉक, असाइन, ट्रैक और अप्रिशिएट। तो ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गाइडलाइन है ये रिलेटेड किससे, 8 जो स्टेप्स हैं ये फुल फॉर्म याद रखो। ठीक है, ये जो 8 स्टेप्स हैं ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड है, ये गाइड करेंगे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन स्टेप बाई स्टेप विद एग्जाम्पल। तो जैसे जो इस समय डिजिटल एजुकेशन है वो काफ़ी अधिक पॉपुलर भी हो रहा है और रेलिवेंट भी है, तो उसको किस प्रकार से प्लान करना, कैसे इंप्लीमेंट करना, उससे रिलेटेड ये आपकी गाइडलाइन है। तो प्रज्ञाता गाइडलाइन आपको याद रखना है। प्रज्ञाता गाइडलाइंस हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर्स विद अ फोकस ऑन ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से बच्चों को डिजिटली पढ़ना पड़ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो सर्टेन जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है वो इस पर मेंशनड है। नेक्स्ट देखते हैं फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ अप्रूव्ड ₹107 करोड़ फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ फायर फाइटिंग फैसिलिटी ऑन 5 जेटीज ऑफ हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स कोलकाता पोर्ट। द मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटी विल इनेबल द हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स इन सेफ हैंडलिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो ये जरूरी है। देखो क्या होता है, हल्दिया जो आपका पोर्ट है, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि जो हल्दिया है वो किस रिवर पे है। ठीक है, तो ये जो हल्दिया आपका डॉक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत से ऐसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी आते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि कई बार फायर एक्सीडेंट हो जाए, सो हम लोग तैयार रहें। तो ये फायर फाइटिंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इतना पैसा आपका किया गया है। तो फायर फाइटिंग फैसिलिटी डज नॉट सपोर्ट द हैंडलिंग ऑफ LPG एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज पर द गाइडलाइन ऑफ ऑयल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कार्गो। तो ये जरूरी है कि इतनी सारे प्रोडक्ट अगर ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड, नेचुरल गैस से रिलेटेड वहाँ पर आ रहे हैं, तो फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ भी इंप्रूव करना जरूरी है। इस कदम में अच्छा स्टेप लिया गया है। नेशनल जो हाईवे है अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू कोलाबरेट विद IITs, NITs, रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर इंप्रूविंग हाईवेज। सो NHAI हैज अप्रोच्ड ऑल IITs, NITs and reputed engineering college to collaborate and adopt nearby stretches of national highway on voluntary basis as a part of institutional social responsibility। तो कहा गया कि आसपास के जो नेशनल हाईवेज है अगर वो पास में ही वो इंस्टीट्यूट है तो उनको उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है वॉलंट्री बेसिस में एज अ इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका एक ये सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पे एम यह है कि वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे नेटवर्क डेवलप किया जाए। द ऑब्जेक्टिव इज टू लेवरेज द इंटेलेक्चुअल प्रूडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो मेनली जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनके नॉलेज का इस्तेमाल करना जिससे कि बेटर हाईवे फैसिलिटीज़ और वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है नाइल स्टेट्स एंड टॉक्स। तो जो आपका GERD डैम है जिसे हम ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम भी कहते हैं, जो इथोपिया में बनाया जा रहा है, और कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कि ये किस नाइल रिवर पे बना, मतलब नाइल रिवर के किस ट्रिब्यूटरी पे ये डैम बनाया जा रहा है। पहले भी मैंने आपसे इससे डिस्कस किया है। सो ये जो डैम बन रहा है, इस डैम की वजह से इजिप्ट अफेक्ट हो रहा है, इजिप्ट आपका अफेक्ट हो रहा है। इथियोपिया में ये डैम बन रहा है, इथियोपिया को इसलिए क्योंकि उसको पानी का ज़रूरत भी है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी पानी का ज़रूरत है। बट क्योंकि डैम यहाँ पर बन जाएगा तो जो पानी का फ्लो है सूडान और इजिप्ट में अफेक्ट होगा। सो यहाँ पर जो देश है मेनली जो इजिप्ट है इस चीज़ को अपोज कर रहा है, लेकिन इथियोपिया भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फर्म है। ये कह रहा है कि अगर वो, क्योंकि काफ़ी अफ्रीकन देशों में जो सोर्सेस हैं या अलग अलग दूसरे जो सोर्सेस हैं वहाँ से उसने पैसा इकट्ठा करके डैम बनाने का बनाना शुरू किया है और ऑलमोस्ट कम्प्लीशन में अगर ये आ रहा है तो यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये भी है कि अगर ये डैम बन जाता है तो वाटर का काफ़ी अधिक जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो पाएगा। और इसी को ध्यान में रखते, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन है इथियोपिया का, इजिप्ट का, क्योंकि अगर रिवर फ्लो करती है सपोज करो और आपने बीच में डैम बना दिया तो पानी का फ्लो अफेक्ट होगा, तो नीचे जो आपकी जो कंट्रीज हैं जैसे इजिप्ट, आपकी मेनली जो डाउन स्ट्रीम में जो कंट्रीज हैं, ये लोअर रिपेरियन देश हैं, तो ये इन पर पानी का फ्लो अफेक्ट होगा। मतलब जो पानी का अवेलेबिलिटी मेनली उस समय जब पानी की कमी है, जब बारिश बहुत हो रही तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पानी की कमी है तो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन
तक अभी नहीं पहुंचा है ये, और बातचीत आपकी बंद हुई है। अफ्रीकन कंट्रीज स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम इथोपियन प्रोजेक्ट थ्रू एक्सेस टू चीप इलेक्ट्रिसिटी। इनका एम भी है इलेक्ट्रिसिटी होगा, फ्लडिंग को रिड्यूस किया जाएगा। इट हैज़ ऑल्सो रेज्ड फियर ओवर द डैम्स ऑपरेशन विच कुड एंडेंजर इट्स ओन स्मॉलर डैम्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज डेली डाउनस्ट्रीम। तो ये भी कहा गया कि जो छोटे डैम बनाए हैं नीचे डाउनस्ट्रीम में, सो जो पानी डिस्चार्ज होगा इस, क्योंकि काफ़ी बड़ा डैम है, तो इससे वो छोटे डैम की सेफ्टी भी अफेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूके बैंस हुआवी फ्रॉम 5G नेटवर्क। सो हुआवी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, 5G टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है। सो यहाँ कहा गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट मीन बीजिंग कुड यूज़ द इक्विपमेंट फॉर स्पाइनेज। सो ये जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करेगा वो स्पाइंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन को ये डिसरप्ट कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज़ फेस ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर डोमेस्टिकली टू टेक ए हार्डर लाइन अगेंस्ट बीजिंग इन द मे द यूनाइटेड स्टेट इम्पोज न्यू रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे अभी एक पॉलिटिकल टसल भी चल रहा है, और चाइना की इस कंपनी को बैन भी किया गया है। तो अगर इसको बैन किया गया है सो इसको भी फिर चाहे वो इंडिया हो या यूके हो या कोई भी अगर देश की अगर आप बात करते हो, तो वहाँ पे अगर इसको बैन, तो इसके पास भी जो मार्केट अपॉर्चुनिटी वो रिड्यूस होगी, इसका मार्केट भी काफ़ी अफेक्ट होगा, इससे चाइनीज़ इकोनॉमी भी काफ़ी अफेक्ट होगी। तो ये बहुत बड़ी टेक जायंट है हुआवी, और ये 5G नेटवर्क से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी आगे, तो इसको भी बैन किया गया है अगर देखा जाए जो यूके में। एन अर्थक्वेक टोल इन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। सो ये कहा गया है, इसको ध्यान से देखो, ये केल्प कहते हैं, इसको केल्प कहते हैं। केल्प आप ऐसे मानो कि समुद्र के नीचे ये इस प्रकार के ग्रो होते हैं, समुद्र के नीचे के जो पेड़ हैं उनको केल्प कहते हैं, आप ऐसा समझो। अब एक ऐसा केल्प के मिला है, एक ऐसा जो कि लगभग 800 ईयर्स एगो का है, मेनली अगर देखा जाए तो साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड यहाँ पे। सो जीन ऑफ बुल केल्प along the shore of south island of New Zealand bear marks of an earthquake that occurred। तो वहाँ पे certain उसके अंदर अगर देखा जाए certain चीज़ें हैं जो कि ये दर्शाती हैं या बताती हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन थी 800 साल पहले। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंट जेनेटिक, तो ये जो केल्प है ये उस समय का केल्प है जब जियोलॉजिकल कंडीशन डिफरेंट थी। अर्थक्वेक जो मेजर अर्थक्वेक आया था इसके बाद ये ऊपर की तरफ आ गया, तो फिर ये भी पता चला कि किस प्रकार से उस केल्प का जो जेनेटिक वेरिएशन है या जेनेटिक अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट है, और उसके बाद जो 800 साल में इवोल्यूशन हुआ है तो प्रेजेंटली जो केल्प है उनका जो जेनेटिक उसको कंपेयर करें तो वो डिफरेंट है। तो ये जानकारी मिली है। सो जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो केल्प है, जैसे अगर आप देखो ये आपका केल्प है, तो अर्थक्वेक जब आता है तो ये जो केल्प है इस पर जब अर्थक्वेक आया था तो ये ऊपर की तरफ चला गया था, ये पूरा पहले समुद्र के नीचे था तो वो समुद्र क्योंकि ये लैंड ऊपर चली गई तो ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इसके कुछ जो जेनेटिक वेरिएशन क्या हुई है ये कंपेयर किया जा सकता है आज के केल्प से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस अर्थक्वेक का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट मेड वे फॉर न्यू कमर्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड एंसेस्टर ऑफ टूडेज केल्प। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द मूवमेंट ऑफ कैटा स्लाइसमिक चेंजेस इन एनवायरमेंट कैन बी रिवील्ड बाय कंपेयरिंग जीन अक्रॉस पॉपुलेशन। तो ये जो जीन में वेरिएशन आया है उसको कंपेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली भानु जयंती वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आपको याद रखना है ये आपका सिक्किम में सेलिब्रेट किया था, और 206th बर्थ एनिवर्सरी आपकी ऑफ नेपाली पोएट आदिकवि भानु भक्त आचार्य, और भानु जयंती इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन सिक्किम में आपका ये सेलिब्रेट किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैट्स से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। बैट्स कैन लिव लॉन्ग एंड टॉलरेट सेवरल वायरसेस एंड पैथोजेंस बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म इन देयर इम्यून सिस्टम टू रेन इन इन्फ्लेशन अ मेन स्टे ऑफ डिजीज एंड एजिंग। द क्रिएचर आर ऑल्सो known to host for several other viruses including rabies, Ebola virus that affect humans. The researchers found bat to be unaffected by SARS-CoV-2 virus even though it is believed that they are the carrier of the virus. तो ये सारे के सारे statements आपके correct हैं, ये मैंने आपसे discuss भी पहले भी किया था। तो bat की अगर आप बात करते हो तो उनका immune system इस प्रकार से कि उनको ये virus का कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। दूसरा ये भी कहा गया कि इनमें बहुत huge आपके दूसरे भी virus है rabies और Ebola से, और SARS-CoV-2 का भी इस पर कोई असर
नहीं पड़ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिसेंटली नेम्ड एज 2020 वोन कर्मन अवार्ड रिसिपियंट बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA। तो डॉक्टर के सिवन जो इसरो के चीफ, उनको ये अवार्ड आपका दिया गया है। सो इंटरनेशनल एकेडमी एस्ट्रोनॉटिक्स वाज आल्सो फाउंडेड बाय वोन कर्मन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कमिटेड टू एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ मीटिंग विद 15th फाइनेंस कमीशन द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट द गवर्नमेंट एम्स एट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ द नेशन GDP बाय द ईयर 2025। तो अभी जैसे 1.5 और 1.6 के बीच का है, तो इसको पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा का खर्चा है वो हम इंक्रीज करेंगे टू इंक्रीज बाय 2.5%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSE को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।